मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज़ जुर्म का पर्दाफाश, और मैं बात करने वाला हूं फिल्म जगत की। जी हां, दिशा पाटनी एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। आए दिन एक्ट्रेस अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक से बढ़कर एक स्टनिंग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। एक बार फिर से दिशा ने स्विम सूट में बोल्ड फोटो शेयर करके इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस फोटो में दिशा ब्लू स्विम सूट में पोज देती दिख रही हैं। फोटो में दिशा पाटनी लाइट ब्लू बिकनी पहने नजर आ रही हैं। वह अपने गोल्डन हेयर प्लांट कर रही हैं। दिशा पाटनी का यह अंदाज को उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। इन तस्वीरों में दिशा के फैंस कमेंट और रिएक्ट भी कर रहे हैं। एक फैन ने कमेंट किया है, तेरे हुस्न के जलवे हजार हैं। एक यूजर ने फायर और हार्ट का इमोजी के द्वारा एक्ट्रेस की तस्वीरों पर रिएक्ट किया है। फेमिना मिस इंडिया में भाग ले चुकी हैं दिशा पाटनी। दिशा ने साल 2013 में फेमिना मिस इंडिया इंदौर इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इस इवेंट में वह फर्स्ट रनर अप रही थी। हाल ही में दिशा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हुए थे 40,000 मिलियन। जी हाँ, हाल ही में इंस्टाग्राम पर दिशा के फॉलोअर्स की संख्या 40 मिलियन यानी 4 करोड़ हुए हैं। इस मौके पर दिशा ने वीडियो साझा करते हुए लिखा था, 40 मिलियन ऐसे बिल्कुल 60 किलोग्राम वजन, मेरे प्यारे फैन क्लब्स, आप सभी के प्यार और समर्थन का धन्यवाद। मैं आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूँ। बात करें दिशा पटानी की, तो वो पिछली बार मोहित सूरी के निर्देशन में बनी मलंग में नजर आई थी। फिल्म में उनके परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहना मिली थी। दिशा ने 2016 में महेंद्र सिंह धोनी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद बागी 2 भारत जैसी फिल्मों में दिशा ने अपने अभिनय का जौहर दिखाया है। आने वाले दिनों में दिशा सलमान खान के साथ फिल्म राधे में नजर आने वाली हैं। उनकी यह फिल्म ईद पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण फिल्म का रिलीज डेट टाल दिया गया। खबरों की माने तो दिशा ने हाल ही में अहमद खान की ओम फिल्म भी साइन की है। इस फिल्म में दिशा आदित्य राय कपूर के साथ लीड रोल में दिखाई दे सकती हैं। दिशा और टाइगर श्रॉफ के बीच के अफेयर की खबरें भी काफ़ी वायरल होती हैं। दोनों को काफ़ी बार एक साथ देखा गया है। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट में।